तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि किस बारे में बात होने वाली है। यस, सालार का टीजर रिलीज हो गया है बाबा। इस साल की बड़ी फिल्मों में से एक जिसके लिए जनता पागल थी, मोस्ट मच अवेटेड मूवी, क्योंकि इसमें प्रभास है, द रेबल स्टार। भाई साहब इसे कहते हैं कमबैक, स्टेज फॉर कमबैक। भाई मजा आ गया सच में, क्या तो टीजर निकाला गया है, मतलब मेरे होश उड़ गए। जैसी उम्मीद लोगों को थी उससे बढ़कर इस मूवी में मिलने वाला है। जब टीजर में ही इस लेवल का एक्शन, डायलॉग डिलीवरी और बीजीएम थीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल शो कर सकते हैं, तो सोचो ट्रेलर में कितना धांस होगा। और मूवी, भाई मूवी का तो कुछ कहना ही मत, ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ेगी बड़े बड़े पक्का है। लेकिन अपनी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे प्रभास, ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी। ट्रेलर का वेट करते हैं, कितना दम है बाद में पता लग ही जाना है। जहां तक उम्मीद है आप लोगों ने टीजर तो देख ही लिया होगा, ऑनेस्टली बताना कमेंट बॉक्स पर कि टीजर आपको कैसा लगा। दोस्तों स्टार्टिंग का डायलॉग ने आग लगा दी, लायन, चीता, टाइगर एंड एलिफेंट ऑल आर द डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क। इस डायलॉग का गहराई से समझ रहे हो, तुम लोग डेंजरस हो गए अपनी लोकेलिटी में हो गए, लेकिन अब इस लोकेलिटी को हैंडल करने वाला कोई और आ रहा है, मतलब द रेवल। अमेजिंग सर। देखो जब KGF आई थी तब एक्शन और मास सिनेमा का जो लेवल था अलग ही लेवल में पहुंच चुका था। उसके बाद उस लेवल को बीट करना हर किसी के बस की बात ना थी, हर कोई बस प्रभास का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये एकमात्र बंदा है जो इस लेवल को बीट डाउन करेगा और अनडाउटेडली करा भी। जी हाँ दोस्तों, मासी एक्शन का मतलब समझाने के लिए प्रभास का हाथ में वो तलवार वाला सीन, चंद सेकंडों का यही मोमेंट काफी था। देखो आदि पुरुष में भले प्रभास की इमेज डाउन हुई, लेकिन इस एक टीजर ने वो सब बराबर कर दिया और लोग फिर से अपने बाहुबली का वेट करने लग गए हैं। जी दोस्तों, टीजर को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों ये तो है, मूवी को 2 पार्ट में डिलीवर कर जाना है। पहले सिर्फ रूमर जैसा था, लेकिन इसमें साफ साफ कंफर्म कर दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट सीज फायर है। दूसरा, पृथ्वीराज का अलग ही लेवल सेट कर रखा है, अलग ही हाइप सेट कर रखा है मेकर्स ने। तीसरा, ये पृथ्वीराज जो है एज अ विलन तो नहीं आने वाले, ये उन्होंने किसी इंटरव्यू में पहले ही कन्फर्म कर रखा है। मतलब फर्स्ट पार्ट में सालार और पृथ्वीराज की जबरदस्त कंट्रोवर्सी होने वाली है। तो देखो बाकी तो मूवी में पता लग ही जाना है। दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्शन में लगभग 250 करोड़ के टोटल खर्चे पर सलार मूवी को तैयार करा गया है। बात अगर कास्ट की करें तो मेल लीड में आपको प्रभास देखने को तो मिलेंगे ही, उसके बाद श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। मूवी को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में दिखाया जाएगा, जिसमें तेलुगु और हिंदी से बंपर ओपनिंग मिलने वाली है मूवी को पहले दिन ही। जी हाँ दोस्तों, अनडाउटेडली सालार पहले दिन 100 करोड़ के आंकड़े को आराम से पार कर जाएगी और मे बी KGF 2 और RRR का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अपने पहले दिन, साथ ही बिग ओपनिंग के मामले में भी। जी हाँ दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मूवी 1000 करोड़ का बिजनेस आराम से कर ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सालार को 28 सितंबर को पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी है। देखो KGF को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो नो डाउट सालार वो नाम है। दूसरा, इस फिल्म का थीम, BGM, डायलॉग ने तो अलग ही लेवल का हाइप सेट कर रखा है, लेकिन एक कमी ये है कि अगर यश का छोटा सा मोमेंट अगर टीजर में डाल देते, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज कि KGF में से यश का कैमियो होने वाला है प्रभास के साथ, 4 चांद लग जाते टीजर में। दूसरा, ये कुछ लोगों का अभी भी ये कहना है कि KGF की तरह इस फिल्म को भी तैयार करा गया है, तो हेटर्स की तो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। बाकी जनता समझदार है, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास का क्या स्टार्डम है, किस लेवल का एक्शन ये देने वाले हैं, एवरीवन ट्रस्ट ही। तो अब आप लोग ये बताएंगे कि टीजर फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया या नहीं। दूसरा, मूवी क्या बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 1800 करोड़ कमा पाएगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।